और आइए सीधे रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, चिराग पासवान थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और चुनाव आयोग पहुंचा है एलजेपी का एक दल। दोनों गुट आज चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद चुनाव आयोग का पहुंच चुका है इस वक्त की बड़ी खबर। एलजेपी में नेतृत्व की लड़ाई को लेकर चाचा भतीजे में सियासी भिड़ंत काफी तेज होती जा रही है और इस बीच पशुपति पारस गुट और चिराग पासवान गुट की लड़ाई अब इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई है। चुनाव आयोग पहुंचे हैं ये नेता आज शाम। दोनों गुटों को चुनाव आयोग ने अलग अलग अपनी बात रखने का समय दिया है और इससे पहले कल पशुपति पारस को सूरजभान सिंह और समर्थकों की बुलाई गई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नया अध्यक्ष चुना गया। उधर चिराग पासवान ने नया दांव चलते हुए इसी रविवार यानी कि 20 जून को एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। चिराग ने दावा किया है कि एलजेपी संविधान के अनुसार पार्टी प्रमुख के तौर पर वो या महासचिव के रूप में ऐसी कोई बैठक बुलाने के लिए अधिकृत नहीं है, ये कहा गया है। और संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं इस खबर पर। संजीव, अब चुनाव आयोग पहुंच चुका है ये मसला, अब आगे क्या होगा यहाँ से? स्थिति बन रही है जिसमें कि जो दोनों गुट हैं लोक जनशक्ति पार्टी के वो चुनाव आयोग पहुंचने वाले हैं। चुनाव आयोग इसीलिए क्योंकि इसके बाद अब मामला जो है दोनों गुटों का चुनाव आयोग पहुंच रहा है क्योंकि सवाल सिंबल का है और सवाल पार्टी के नाम का है। पार्टी का नाम किसे मिलना चाहिए और सिंबल किसके पास होना चाहिए, ये दोनों ऐसे सवाल हैं जिसका कि आपको हल चुनाव आयोग से मिलना है। अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग गुट ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल जो बैठक बुलाई गई थी पटना में पारस गुट के द्वारा, उसमें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के केवल 9 सदस्य पहुंचे थे 75 में, फोरम 30 लोगों का है तो वो अनाधिकृत है और वहां जो कल हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, ये बात हम चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि स्पीकर ने जो डिसीजन लिया था पारस गुट को रिकॉग्नाइज करने का वो गलत था, उस पर भी हम लोगों ने चुनौती दी है स्पीकर के ऑफिस में और अब स्पीकर दोबारा से विचार कर रहे हैं, ये बात भी कहा गया है। मतलब अपनी तरफ से मजबूती से पक्ष रखने की कोशिश एक निश्चित पारस गुट भी आज शाम जा रहा है चुनाव आयोग और वो कह रहा है कि ऐसे में जबकि हमने नया अध्यक्ष चुन लिया है तो पार्टी का सिंबल और नाम हमें दिया जाए। जी संजीव, आपको याद होगा एक और ऐसा ही मामला था जो चुनाव आयोग पहुंचा था, देर रात तक हलचल थी, सिंबल और पार्टी के नाम को लेकर बड़ी लड़ाई थी, शायद मुझे याद आ रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का ही मसला था। संजीव जी बिल्कुल, देखिए वो समाजवादी पार्टी का मसला था जिसमें कि मुलायम सिंह यादव के लड़के अखिलेश यादव का दावा था समाजवादी पार्टी पर और दूसरी तरफ चाचा शिवपाल सिंह यादव का था और अंत में जो ब्रेकअवे ग्रुप था उसे नहीं दिया गया था, यानी कि शिवपाल सिंह यादव को नहीं मिला था। कि पार्टी का संविधान प्रकट करता था कि पार्टी का जो अध्यक्ष है यानी कि अखिलेश यादव उस मामले में उनके पास अधिकारशाली रहेंगे और वही हुआ था, तो क्या इस मामले में चिराग पासवान के पास रहेंगे, देखना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच ये खबर भी आ गई है चिराग पासवान की तरफ से कि उन्होंने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और कहा है कि देखिए कोरम तो 30 लोगों का होता है, उनके पास 9 थे, हमारे पास देखिएगा रविवार को यानी कि परसों जो हमने बैठक बुलाई है उस बैठक में कम से कम कितने लोग रहते हैं, उन्होंने उनका दावा है कि 50 से 55 लोग हमारी बैठक में रहेंगे जो ये अपने आप में तय कर देगा कि दरअसल पार्टी हमारे साथ है। ओके संजीव, शुक्रिया आपका बड़ी जानकारी देने के लिए। तो ये अब मामला चुनाव आयोग पहुंच चुका है, मीटिंग के लिए अलग अलग वक्त दिया गया है।